नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आलू के हलवा की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें इसे बनाना कैसे है। यहाँ पर जब हमारा कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच देसी घी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का आलू जो मैंने बॉयल कर लिया था, उसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया। आप चाहे तो उसे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो हमें इस मैश्ड आलू को इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देना है और इसे हल्का भून लेना है। अभी ये आपको टाइट लग रहे होंगे, मगर ये धीरे धीरे बहुत स्मूथ बन जाएंगे। हमें लगातार इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनना है। और ध्यान रखिएगा, आप इस हलवे को नॉनस्टिक पैन में ही बनाएं, जिससे कि ये चिपके ना। हमें पलटे की हेल्प से कुछ इसे ऐसे मैश कर करके ही इसे भुनना है। हमें इसे तब तक भुनना है जब तक हमारा जो आलू है वो ऑयल रिलीज़ करना ना शुरू कर दे। आप देख सकते हैं हमारा जो आलू है वो अच्छे से भुन चुका है और इसमें से ऑयल भी अच्छे से रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 4 बड़े चम्मच चीनी। आप इसमें चीनी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ मीडियम मीठा हलवा बनाया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी यूज़ कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसे भी डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाते रहना है, जिससे कि ये नीचे लगे ना। हमें फिर से इसे कुछ इस तरीके से मैश करते हुए भुनना है, जिससे कि जो चीनी है वो हल्की मेल्ट होती जाए। चीनी डालने के बाद आपको इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक भुनना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ केसर और दूध का मिक्सचर। यहाँ मैंने 1 बड़े चम्मच गुनगुना दूध में 4 से 5 धागे केसर के डाले थे। और फिर हमें इससे इस पैन में ट्रांसफ़र कर देना और इसे लगातार चलाना है। हमें इसे लगातार इसलिए चलाना है जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसे मैश कर करके मिक्स कर रही हूँ। हमें इसे तब तक भुनना है जब तक जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से बाइंड ना हो जाए। और आप देख सकते हैं अच्छे से बाइंड हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच देसी घी। लास्ट में देसी घी डालने से इसका अलग ही फ्लेवर आता है, प्लस ये थोड़े क्रिस्पी टाइप के भी हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट नहीं रहते, थोड़े सा क्रंचीनेस रहता है इसमें, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं मैंने देसी घी में इसे अच्छी तरीके से फिर से अच्छे से भुन लिया, ये अच्छे से बाइंड भी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये हलवा अभी से बहुत टेस्टी लग रहा है। अब क्या करते हैं, इसका जो टेक्सचर है वो हलवा जैसा बिल्कुल आ चुका है, प्लस ये देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। तो मैं अब इसमें डालने जा रही हूँ करीब 1 छोटी हरी इलायची। इससे हलवा का फ्लेवर जो है ना वो बहुत एनहांस हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही में मैं यहाँ डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैंने कुछ स्लाइस किए हुए बादाम डाले हैं। आप चाहे तो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और फिर हमें इसे कुछ सेकेंड के लिए भून लेना है। तो लीजिए, फटाफट से ये हमारा जो आलू का हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमें गैस को ऑफ कर देना है। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप मुझे ये रेसिपी ट्राई करके कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।